उत्तर प्रदेश में हत्या की अनेकों वारदातों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हत्या की वारदात की कुछ तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है गोंडा जिले में, जहां पर एक शिक्षक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के फोर्बिसगंज का है, जहां पुलिस ने शिक्षक हत्याकांड का भंडाफोड़ करते हुए हत्या में शामिल दो आरोपियों को पिस्तौल और कत के साथ गिरफ्तार किया है। और नगर कोतवाली और स्वाट टीम ने महज 48 घंटे में ही हत्या की वारदात में शामिल दोनों आरोपी संदीप यादव और जवाहिर मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेजा। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर में 28 जनवरी के शाम के समय एक अध्यापक एक किराए के घर में रहते थे, मोहल्ला फोर्बिस गेल से कुछ जानने वाले लोगों ने साथ मारपीट की थी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो उनके परिजन जो पिताजी जनपद अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे, उनके द्वारा धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई थी, उसी में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की स्वाट टीम है, उनके द्वारा दो अभियुक्तगणों को संदीप यादव और दूसरा जगदेव और जवाहर मिश्रा उनको गिरफ्तार किया गया है।